हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। एंड इन दिस वीडियो हम ग्लाइड की मदद से हमारे वीडियो व्यू के अंदर इमेज आइकन सेट करने वाले। ऐसी कुछ अभी बाय डिफॉल्ट ये है, बट हम चाहते हैं ऐसी वीडियोस की इमेजेस लोड हो, सो उसके लिए हम लोग ग्लाइड का यूज़ करने वाले। सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज ग्लाइड, देन जस्ट ओपन योर ब्राउजर एंड सर्च इट ऑन गूगल। सो ग्लाइड एंड ओके। सो टू कीप इट सिंपल, यहाँ पे गिटहब बम्पटेक। ओके, सो ग्लाइड इज एन इमेज लोडिंग एंड कैशिंग लाइब्रेरी फॉर एंड्रॉयड। ओके, सो वो हमारी हेल्प करती है इमेजेस को लोड करने में एंड उन्हें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने में, एंड वो मेमोरी को भी काफ़ी एफिशिएंटली मैनेज करती है। जनरली देयर आर टू पॉपुलर इमेज लोडिंग लाइब्रेरीज, वन इज ग्लाइड एंड अनदर इज पिकासो, बट वी आर गोना यूज ग्लाइड इन दिस प्रोजेक्ट। एंड फॉर इम्प्लीमेंटिंग ग्लाइड, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपकी रेपोजिटरीज में ये होना चाहिए। सो जस्ट मूव टू आर प्रोजेक्ट एंड हियर ग्रेडल स्क्रिप्ट्स एंड बिल्ड डॉट ग्रेडल फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। ओके, सो फर्स्ट वन के अंदर आपको पहले चेक करना है कि आपने मेवन सेंट्रल रखा है, सो इट विल डू आर वर्क। मेवन सेंट्रल इज देयर एंड जे सेंटर, सो लेट्स रिमूव इट, सो चेंज इट टू दैट। ओके, यहाँ पे एक सिंक नाउ का ऑप्शन है, हम लोग बाद में कर लेंगे सिंक नाउ। नाउ मेवन सेंट्रल इज देयर एंड उसके बाद हमें डिपेंडेंसी में ये एक चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, दोनों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक हमारा काम कर देगी। सो जस्ट यूज कॉपी दिस एंड जस्ट गो टू आर प्रोजेक्ट्स एंड ये वाला बिल्ड डॉट ग्रेडल कोलन ऐप, एंड इसके अंदर डिपेंडेंसीज में यहाँ पे फॉर ग्लाइड एंड पेस्ट इट हियर। एंड एक्चुअली जे यूनिट की ज़रूरत नहीं है, सो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ एंड कंस्टेंट लेआउट को भी मैं चेंज कर रहा हूँ लेटेस्ट वर्जन में। एंड नाउ जस्ट सिंक नाउ। सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है एंड नाउ हम हमारे वीडियो अडेप्टर में आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें इमेज सेट करनी है। सो पहले मैं उस इमेज का रेफरेंस ले लेता हूँ। वैल इमेज इज इक्वल टू बाइंडिंग डॉट इमेज वीडियो इमेज। सो ये हमने वीडियो व्यू में क्रिएट की थी दिस वन, एंड नाउ लेट शिफ्ट टू वीडियो अडेप्टर एंड हमें यहाँ पे इमेज सेट करनी है। सो ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर यहाँ पे ड्यूरेशन के बाद मैं इमेज सेट करना चाहता हूँ, सो ग्लाइड का यूज़ करूँगा। ग्लाइड पहला वाला डॉट, यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा, सो जो भी कॉन्टेक्स्ट हमें मिला है कॉन्टेक्स्ट, एंड उसके बाद डॉट एज बिट मैप, सो मैं चाहता हूँ वो एज ए बिट मैप हो डॉट, एंड उसके बाद इन टू मीन्स कहाँ पे वो इमेज सेट होनी चाहिए, सो होल्डर डॉट इमेज, एंड उसके बाद और भी कुछ प्रॉपर्टीज हमें सेट करनी है, सो डॉट लोड मीन्स कहाँ से लोड होनी चाहिए। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, सो या तो आप URI का यूज़ कर सकते हो या तो आप फाइल का पैथ का यूज़ कर सकते हो, मैं URI यूज़ करने वाला हूँ। सो यहाँ पे वीडियो लिस्ट स्लैश पोजिशन डॉट URI @URI, सो ये @URI हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट की थी, सो आप मेन एक्टिविटी में आके देख सकते हो हियर। ओके, सो यहाँ पे हमने पैथ से, जो हमने पैथ एक्सेस किया था डेटा से, उससे हमने एक URI बनाई थी @URI एंड उसे एक वीडियो के अंदर इनिशियलाइज कर दिया था, एंड उस @URI को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं @URI। एंड यहाँ पे मैं कुछ और ऑप्शन चाहता हूँ, मीन्स अगर ऐसा हो जाए कि इमेज लोड ना हो पाए तो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज कौन सी होनी चाहिए वो हमें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सो यहाँ पे ऑप्शंस, मैं कुछ ऑप्शन सेट करना चाहता हूँ, सो रिक्वेस्ट ऑप्शंस एंड ये ग्लाइड वाला, एंड कंस्ट्रक्टर कॉल करो इसका डॉट प्लेस होल्डर, मीन्स कौन सी इमेज बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जगह पे होनी चाहिए। एंड लेट्स से मैं चाहता हूँ r.mipmap डॉट IC_video_player। ओके, सो मैं वीडियो प्लेयर की जो आइकन है इसे बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहता हूँ, एंड डॉट यहाँ पे मैं एक चीज़ और चाहता हूँ कि वो सेंटर क्रॉप हो, एंड दैट्स इट, ये हमारे लिए वर्क कर लेगा। एंड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है एंड यहाँ पे कुछ एरर है, एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शंस की जगह पे अप्लाई होगा अप्लाई। ओके, सो ऑल राइट, एंड दिस विल सेट इमेज फॉर आर वीडियोज़। सब एक बार हमारी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं।
सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। आप देख सकते हो ग्लाइड हमारे लिए इमेजेस लोड कर रही है। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ग्लाइड हमारे लिए और इमेजेस लोड करते जा रही है। सो हमारी ग्लाइड की जो इमेज लोडिंग है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।